अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का मैंने कहा माशाल्लाह से ना व्लॉग खूबसूरत से व्यू के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे सिटी में कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अल्लाह का शुक्र है कि अभी आज बारिश शुरू हो गई है और मौसम बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह से। माशाल्लाह ये देखिए, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी, बहुत बहुत तेज़ बारिश। आप देख लें कि इतनी तेज़ है कि मैंने विंडो खोली हुई है और ये देखते हैं ज़रा पानी जो है वो विंडो से अंदर आ गया है। ये अब मैं जल्दी जल्दी जो है सारी विंडोज़ बंद कर रही हूँ घर की। चलो ये तो फ़ैन के साथ हो ही जाएगा ड्राई। और अभी मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाती हूँ कि क्या हाल हुआ पड़ा है। अभी ज़ैर ने मुझे आके बताया है कि मामा ऊपर ना ये हालात हुए पड़े हैं, क्योंकि बारिश उस साइड से है तो डोर के नीचे से ना ये देखें, डोर खोलो ये देखें पानी। और फिर उज़ैर ने और मैंने मेहनत तो बहुत की पानी बाहर निकालने की, लेकिन गेट जब खोल के इस तरह पानी बाहर निकालते थे तो बारिश तेज़ थी और हवा भी अंदर की साइड पे थी, तो सामने बैटरीज पड़ी हुई थी सोलर की, तो बस हमने बस 2 मिनट ही किया और उसके बाद हमने गेट बंद कर दिया कि वो ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि डायरेक्ट जो बारिश थी वो अंदर आ रही थी। अच्छा, यहाँ पर सामने घर बन रहा था, उसके ऊपर 2 आदमी उस टाइम जो मज़दूर होते हैं ऊपर चढ़ के तो काम कर रहे थे। मैं तो बहुत डर गई इधर तक कि बस मेरे से आना हुआ, बहुत ही तेज़ हवा थी इधर। और ये देखें माशाल्लाह से जो व्यू बारिश का ना उमर के रूम से आता है ना, बस मैं क्या ही बताऊं। ये देखें अभी बारिश कम होनी शुरू हो गई है। और जनाब बारिश ख़त्म हुई तो मैंने अनबॉक्सिंग स्टार्ट की, और ये अनबॉक्सिंग के बाद जब मैं चीज़ें वगैरह सेट कर रही थी ये सारा उसका सीन था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि बाहर से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लाने वाली, हम दोनों मियाँ बीवी बाहर चले गए। और लेफ्ट साइड पे ज़रा बारिश के पानी का हाल देखें कि मैंने फ़र्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी रोड का ये हाल देखा था, जिससे मेरे सर में शदीद दर्द होनी शुरू हो गई थी। अच्छा, मैंने कभी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर इतना पानी मतलब बारिश का नहीं देखा, फर्स्ट टाइम मैंने इतना देखा था और मुझे बहुत ज़्यादा लगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया। मुझे हस्बैंड वाइफ को आलमोस्ट तकरीबन 8 बज गए थे सारी चीज़ें लेते हुए, शॉपिंग करते हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम हो गए थे। मैं मोबाइल लेकर गई थी, मैंने कहा था आप सब लोगों के लिए शूट करूँगी, बट बस मेरी ना पता नहीं क्यों मुझे पानी इतना ज़्यादा था और गाड़ी चल रही थी ना, मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, सर में दर्द। फिर मैं घर आई हूँ, घर आके फिर तकरीबन हम 8 बजे घर पहुँचे, आके मैंने जनाब वो लिया था बेल फ्रूट लिया था, मैं आप लोगों को बल्कि वो दिखाती हूँ कि उससे ना तबीयत अगर आपको थकावट हो जाए और बिल्कुल काम करने को दिल ना हो, कंधों में घुटनों में जो भी पेन हो उससे ख़त्म हो जाती है। अच्छा, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और अल्लाह का शुक्र उसके बाद मैंने मेकअप किया, मेकअप कैसा हुआ है मुझे बताइएगा। और मैंने अपनी एक पोस्ट शूट करनी थी वो अभी मैंने कंप्लीट की है, अभी मैं अपना मेकअप जाके रिमूव करूँगी और फिर जनाब कोई कुछ बना के खाते हैं, मुझे बड़ी भूख लग गई है और मुझे अभी टाइम का भी नहीं पता कि यहाँ पर टाइम क्या हुआ है। चले अब चलते हैं बस। वो अभी 12:15 हो गए हैं और मैंने भी मेकअप भी सारा रिमूव करना है, लेकिन मैं इससे करती हूँ आपको जल्दी जल्दी ना पाउडर दिखा देती हूँ किचन से ला के, फिर इंशाल्लाह नीचे जाके ना तो स्किन को साफ करती हूँ। नहीं नहीं तुम यहीं पे शाम रुको, मैं यहीं ले आती हूँ, अंदर लाइट को मैंने लाइट सारी ऑन। पाउडर मैंने आपको बताया था, आई थिंक मैंने उस टाइम आपको बताया था बेलगरी पाउडर। बेलगरी पाउडर जो है ना वो इंफ्लेमेशन वगैरह को खत्म करने के लिए, लेकिन मैंने जो लिया था ना वो दूसरा ट्रिबुलस, इसको त्रिफला वैसे कहते हैं आई थिंक, लेकिन मैं ना बाकी इसके जो नेम है ना वो मैं मेंशन कर दूंगी। ट्रिबुलस पाउडर जो है चेतन प्योर का, ये जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अच्छा, ये वाला पाउडर जो है ना अगर जिस तरह थकावट बहुत ज्यादा होती है, आज यकीन करें वो गाड़ी जो थी ना पानी में चल चलते ना बार बार ब्रेक लग रही थी और मेरे सर में इतनी दर्द शुरू हो गई, हाफ स्पून से पा के ना इस पाउडर को आपने ले लेनी है। मैं कई दफा ऐसे करती हूँ पानी में से मिक्स करके रख देती हूँ, ठीक है 15 मिनट के लिए रखने के बाद मैं इसको पीती हूँ। अच्छा, इसका फिर असर भी ठंडा हो जाता है। अगर एप्पल के साथ आप ग्राइंड करके ले लें 1/2 स्पून 1 स्पून, या आप बनाना के साथ भी इसकी स्मूदी बना के ना ले सकती हैं, तो आपकी जो थकावट जो वो होती है
वो होते हैं जो कि सप्लीमेंट्स खाती हैं ना, जिस तरह हम आयरन की या विटामिन्स की खाते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो उनके लिए ये नेचुरल सप्लीमेंट के तौर पे काम करता है, क्योंकि ये मैक्सिमम आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। तो मैंने तो खुद आजमाया हुआ है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। और चले, अब मैंने कहा आप लोग पूछेंगे, तो ये वाला पाउडर था, मेरे से मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। बाकी अगर आपको पेन वगैरह होती है, जिस तरह थकावट की वजह से शोल्डर्स में पेन हो या घुटनों में पेन हो, तो उसके लिए ये बेल फ्रूट का जो पाउडर है ना, ये बड़ा अच्छा है। मैं अब चलती हूँ नीचे, जो कल मैंने वीडियो शूट करनी है, ताकि ना मेरे निकल्स ना आ जाए। और अभी मैंने मेकअप वगैरह भी साफ कर लिया है, जो कि मैंने पोस्ट बनाई है, मैंने आप लोगों को दिखाई है। और एक चीज मैंने आप लोगों को बतानी है, क्योंकि मुकद्दस भी ना आज मेरे से लेकर गई थी सन क्रीम, ये जनाब चिंतन प्योर की ना 50 मिलीलीटर की क्यूट सी ऐसी पैकिंग है, ट्यूब में होती तो ये काफी बड़ी होनी थी, ठीक है। 50 मिलीलीटर है, तो इसे आप आराम से अपने बैग में भी रख के ले सकते जा सकते हो स्कूल कॉलेज। जिन लड़कियों को स्पॉट्स का मसला है, जिन लड़कियों की एक्नी बहुत ज्यादा हो जाती है, स्किन सेंसिटिव होती है, तो यकीन करें ये मत सोचे कि जो दुनिया है वो वैसे ही कहती है सनब्लॉक सनस्क्रीन सनब्लॉक सनस्क्रीन, किसी वजह से कहती है। मैं भी पहले नहीं मानती थी, लेकिन जबकि हमारे सोलर पैनल्स लगे हैं ना, तो उसके बाद मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि जो सन लाइट होती है ना, वो बड़ी तेज होती है, ठीक है, तो आपकी स्किन को डैमेज कर देती है। अच्छा, ये यूवीए और यूवीबी से आपकी स्किन को इंस्टेंट प्रोटेक्ट करता है। मैंने अभी जो है ना नूर का जो स्किन ग्लो सीरम मैंने लास्ट अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो लगाया है। वो लड़कियां जो मतलब मॉइस्चराइजर पहले लगाना स्कूल या कॉलेज जाते हुए यूनिवर्सिटी जाते हुए और उसके ऊपर सनब्लॉक लगाती थी, जाहिर है वो स्किन से बह जाता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट ये सन क्रीम लगाया करें। अच्छा, ये स्किन के लिए सेफ भी है, कि सनब्लॉक भी आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं, क्योंकि वो सन प्रोटेक्शन देने के लिए उसमें इतने तेज केमिकल्स डले होते हैं, तो उसके लिए ये बड़ी स्किन के लिए आपकी सेफ है, स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगी और इजिली स्किन के ऊपर अप्लाई हो जाती है, लाइट सा वाइट सा स्टार्च आ जाता है, जो कि अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी, कुछ आपको आइडियाज मिले होंगे, कुछ चीजों का पता चला होगा। अच्छा, जो पाउडर्स हैं और सन क्रीम है, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर आप लोग ले लीजिएगा। और इस पे डिस्काउंट कोड जो है वो 10 खानुम है, याद रखा करें, चिंतन प्योर के पेज के ऊपर मेरा 10 खानुम कोड है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बड़ी देर हो रही है।